जी हाँ दोस्तों, ये जो आपने तस्वीरें देखी हैं ये दरअसल एक हकीकत है। एक जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान विल रन ड्राई बाय 2025। कालाबाग, कालाबाग, कालाबाग। जब जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं इस इशू को बार बार उठाया जाता है। ये एक डिस्प्यूटेड डैम है। केपीके के पॉलिटिशियंस का मानना ये है कि अगर कालाबाग डैम बना तो बहुत से इलाकों में तुगियानी और फ्लड्स आ जाएंगे, और सिंध का मानना यह है कि अगर कालाबाग बना तो सिंध में कहत आ जाएगा फैमिन, ड्राउट। दोनों टेक्निकली गलत हैं। केपीके की ज़मीन जो है वो सी लेवल से काफ़ी ऊंची है, तो उसमें फ्लड आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। और जहाँ तक सिंध की बात है तो पिछले 30 सालों से सिंध जो है वो सूखा ही पड़ा हुआ है। तो कालाबाग तो नहीं बना, तब भी सिंध में सूखा ही पड़ा हुआ है। ये मिसाल कालाबाग की बिल्कुल वैसे ही है कि जब जब आप घर से अपने बाहर निकलते हैं तो आपकी बेगम कहती हैं, ज़रा वापस घर जाके चेक कर लीजिए चूल्हा तो नहीं जल रहा कहीं। चूल्हा नहीं जल रहा होता, बट आपको फिर भी जाना पड़ता है देखने के लिए कि भाई चेक कर लेता हूँ कहीं बाद में कोई मुसीबत ना पड़े। कालाबाग भी बिल्कुल वैसे ही एक मुसीबत है। जब जब हुकूमतों का वक्त ख़त्म होता है वो इस इशू को फिर से उठाती हैं और इसमें आवाम का बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया जाता है। मत बनाओ कालाबाग, इसका या तो नाम तब्दील कर दो अगर नाम में मसला है, और कोई और नाम रख दो, या और कहीं और जगहों पे डैम्स बना लो। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का वो डैम्स की कमी है। रिजर्वॉयर्स नहीं हैं इतने ज़्यादा जितने होने चाहिए। वी गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ 200 मिलियन पीपल, वी आर एन एग्रो इकॉनमी, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर हमारा पानी हमें ना मिले तो ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगी बल्कि बहुत सारी और इंडस्ट्रीज और हमारी पॉपुलेशन जो हैं इससे इफेक्ट हो जाएंगी। आपको ये हैरत होगी जान के कि पाकिस्तान को हर साल 140 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, जिसमें से 25% पानी बारिशों की सूरत में और 75% पानी जो है वो ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत में मिलता है। बट इससे सिर्फ 10% से भी कम पानी हमारे रिजर्वॉयर्स और डैम्स में स्टोर हो पाता है। 90% से ज़्यादा पानी हम समंदर में बहा देते हैं। अगर आपको मैं ये पैसों की फिगर में समझाऊं तो सालाना हमें 25 अरब रुपए, 25 बिलियन रुपीज़, जो आज के एक्सचेंज रेट पे 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट बनता है, इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, 90% से ज़्यादा जो पानी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने इस किल्लत को कंट्रोल ना करा, एंड इफ़ वी फेल्ड टू फिगर आउट व्हाट आर द सस्टेनेबल वेज ऑफ मैनेजिंग वाटर सप्लाईज, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो कालाबाग ही नहीं बल्कि बहुत सारे डैम्स हैं। स्कर्दू डैम है, काशगरा डैम है, जो स्कर्दू में बनने वाला था। 1957 में हमारे एक इंजीनियर ने आइडिया दिया था जनरल अयूब खान को कि अगर आपने ये डैम बना दिया, इसमें 15,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और 20 मिलियन एकड़ फीट ज़मीन को जो है पानी इससे मिल सकता है इरिगेशन सिस्टम के साथ। बट वो दिन है और आज का दिन है, ये आवाम सिर्फ कालाबाग डैम को ही डिस्कस कर रही है। ये हमारी बहुत बदनसीबी है, हमारा अलमिया है कि हम जो चीज़ें मर चुकी हैं हम उनको फिर से कब्र से निकाल निकाल के उनका जिक्र करते हैं और हम आगे की तरफ नहीं देख रहे कि हम और क्या कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, डिसैलिनेशन प्लांट्स लग रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि समंदर के पानी में से फ्रेश वाटर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसको फिर जेर इस्तेमाल में लाया जाए, बट हमारी तवज्जो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं है। खैर, ये तो हुआ पानी का क्राइसिस, और पानी की क्राइसिस के बाद इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो रेहाम क्राइसिस जो है चल रहा है। और इस क्राइसिस के अंदर ऑब्वियसली हमजा अली अब्बासी का नाम ना लेना जो है वो अच्छी बात नहीं होगी। वो भी इसमें काफ़ी अच्छा नुमाया करदार उनका इसमें वो अदा कर रहे हैं। आजकल काफ़ी बड़े लोग शिकायत करते हैं कि बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। मेरा ख्याल से अच्छा है कि किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, क्योंकि अगर रेहाम खान जैसे लोग फजूल सी किताबें लिखना शुरू कर देंगे, जो किताब कम और कुछ और ज़्यादा होती है, तो बेहतर ही है कि आजकल के बच्चे किताबें ना ही पढ़ें अगर इस तरीके के ऑथर्स होंगे। खैर,
फेमिनिज्म और वुमेन कार्ड जो है वो बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मीन उबैद चुनाए की बहन को किसी डॉक्टर ने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो वो एक हैरेसमेंट का केस बन गया था। फिर आपको सबको पता है मीशा शफी ने अली जफर पे हैरेसमेंट का केस बना दिया, और अब ये नई एक किताब और नया एक पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है जिसमें बहुत सारे मर्द हजरात के ऊपर जो है वो हैरेसमेंट के केसेस जो हैं वो बन जाएंगे। खैर, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करूंगा कि रेहाम तो छोड़ें बट पानी के क्राइसिस पे ज़रूर काबू पाइएगा। और हाँ, एक बात तो आप लोगों से कहना भूल गया, अगली दफ़ा जब वोट दीजिएगा तो उस पार्टी का मंशूर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उस पे रोटी या निहारी या बोटी इस पे ना वोट दीजिएगा, जो आपके मेन इश्यूज़ हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर क्राइसिस, इन चीज़ों पर खुदारा तवज्जो दीजिए। अल्लाह हाफिज़।